नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन की बेहतरीन फिल्म झुंड ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब रिलीज होने वाली है, ओटीटी रिलीज डेट क्या है और दोस्तों इस फिल्म को कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झुंड फिल्म 4 मार्च को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज की गई थी। दोस्तों इस फिल्म में अमिताभ बच्चन बहुत ही शानदार भूमिका में थे, बहुत ही जबरदस्त उनका अभिनय था। विजय वर्षे के रोल में, विजय बोराडे के रोल में, एक फुटबॉल कोच के रोल में उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अभिनय किया था, लाजवाब अभिनय किया था। दोस्तों फिल्म को क्रिटिक्स के काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे और फिल्म को IMDB रेटिंग भी बहुत ही शानदार मिली थी। और दोस्तों ज्यादातर दर्शकों ने और ज्यादातर क्रिटिक्स ने फिल्म को मास्टरपीस बताया था, लेकिन इन सबके बावजूद दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना ज्यादा सफल नहीं हो पाई थी जितनी की फिल्म से उम्मीदें थी। लेकिन दोस्तों उस समय मेकर्स ने यह बताया था कि फिल्म को 8 अप्रैल को OTT प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों बाद में जैसा कि मैंने भी आपको जानकारी दी थी कि बाद में OTT रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई थी, पोस्टपोन कर दी गई थी। और मैंने आपको कहा था जैसे ही झुंड फिल्म की नई OTT रिलीज डेट का अनाउंसमेंट होता है तो मैं आपको तुरंत अपने चैनल पर जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अब फिल्म के निर्देशक नागराज मंजुले ने खुद ये जानकारी दी है कि झुंड फिल्म को 6 मई को OTT प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज किया जाएगा। साथ ही दोस्तों नागराज मंजुले ने यह भी कहा है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और इस फिल्म को दर्शकों का काफी प्यार मिला है और मुझे आशा है कि OTT पर भी इस फिल्म को काफी बड़ी संख्या में लोग देखेंगे तथा पसंद करेंगे। दोस्तों ये एक मास्टरपीस फिल्म है, अच्छी फिल्म है और इसमें अमिताभ बच्चन का आपको एक बेहतरीन अभिनय भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 6 मई से आप इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म G5 पर स्ट्रीम कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही इस फिल्म के व्यूज के बारे में या वॉच आवर्स के बारे में G5 की तरफ से खुलासा होता है, जानकारी मिलती है, तो मैं आपको लगातार अपने चैनल पर ये जानकारी देता रहूंगा कि फिल्म झुंड OTT प्लेटफॉर्म पर कैसा परफॉर्म कर रही है, दर्शकों के द्वारा कितना पसंद की जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।